हुआ है, जिस तरीके से सब खुलासा आपने किया है, जो जानकारी को क्लू आपको पहले मिला था, जिस तरीके से जो हमारे सामने खबर है वो तफ्तीश के दौरान गौतम बुद्ध नगर के जो SID जो कि आपके द्वारा निर्मित हुई उसके अंडर ही यहाँ पे सफलता हासिल हुई है, तो पहले से कुछ क्लू वैभव जी मिला आपको? हम लोग के पास थे और जो एक्यूज अभी दो जो इनके मेन एक्यूज हैं वो गिरफ्तार हुए थे, उनके बेसिस पे जो पूछताछ हुई है उससे क्लू मिला है और चीज को डेवलप कर दिए थे। जी, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है इन तमाम आरोपियों पर? आगे देखिए, पूरा अभी इनका नेटवर्क पता करना है हम लोगों को, कौन कौन इस लोग में संबंधित है, सभी की गिरफ्तारी होगी, इनकी प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ है वो सारी प्रॉपर्टी हम लोग अटैच करेंगे, टेंडिस्ट अटैच बनाएंगे और जितनी भी इनकी मूवेबल और इमूवेबल असेट्स हैं सभी अटैच की जाएंगे। जी, तो फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता दें कि हमारे साथ वैभव जी जुड़े हुए हैं, SSP गौतम बुद्ध नगर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अभी इस पूरे गैंग को धर लिया गया है और तफ्तीश इस वक्त की गई, तो ये तमाम चीजें पता चली और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। वैभव जी, कुल मिलाकर देखा जाए कि ये काफी अरसे से सक्रिय था, ये गैंग नोएडा में अपने पैर पसार रहा था और आगे भी इसके साथ जुड़े हो सकते हैं, कुल मिला के मान ले सकते हैं? हो सकता है और भी, अभी हम लोग इतना पूरा स्कैम ये अपेक्षा कर रहे हैं, हो सकता है उससे भी काफी बड़ा हो, करीब 2.25 लाख लोग अभी तक हम लोग इन्वेस्टिगेशन में आए हैं, करीब 2.25 लाख लोग इससे प्रभावित हैं और 2500 करोड़ का ये स्कैम है। अभी पूरे हम लोग सारी डेट निकलवा रहे हैं, कई राज्यों में प्रभावित लोग हैं जो की पीड़ित हैं, वो कई राज्यों में सबकी भी अभी हम लोग डिटेल निकलवा रहे हैं और भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कहीं 35 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, और भी प्रकरण आएंगे तो वो और भी मुकदमे दर्ज हो जाएंगे और इनके सभी। बहुत शुक्रिया इंटरव्यू से जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। वैभव जी, आपका पूरा लाभ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपके दर्शकों को एक बार फिर बता देते हैं।